हेलो एवरीबॉडी बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चन आ रहा है कि दीदी आप ये बता दीजिए कि हम लोग कौन से चैप्टर के साथ जोग्रफी और हिस्ट्री में शुरुआत करें वेल well, अगला लेक्चर भी मैं लेकर आऊँगी जहाँ पे मैं बता दूंगी तुम लोगों को कि फ़िज़िक्स और लाइफ साइंस में कौन कौन से चैप्टर के साथ शुरुआत करना चाहिए कौन से ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए क्या बुक में जो चैप्टर वाइज लिखा हुआ है वन टू थ्री फोर क्या वही ऑर्डर फॉलो करना चाहिए तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं जो ऑर्डर बता रही है उस ऑर्डर को ज़रा फॉलो करो तुमको बहुत हेल्प मिलेगा क्या है वो ज़रा देखो जोग्रफी में कोई डाउट ही नहीं है कि तुमको चैप्टर वन पहले फिनिश करना है पक्का से चैप्टर वन पक्कम पक्का है कि पहले फिनिश कर लो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैंने तो नोट्स भी दे दिया है और भी तुम लोगों को बात बताऊंगी ठीक है इसके बारे में फिर चैप्टर टू जो है वो लेंदी है उसको छोड़ो अभी एटमोस्फेयर जो चैप्टर है वो थोड़ा लेंदी है छोड़ो अभी उसको चैप्टर टू को मतलब चैप्टर थ्री को मतलब चैप्टर फोर ले लो वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही आसान निहायती आसान निहायती ही ईजी चैप्टर है उसको कर लो उसके बाद चैप्टर फाइव तो इंडिया जो है इंडिया का क्लाइमेट तक कर लो क्लाइमेट या फिर बहुत लोग सॉइल तक करना चाहते हैं ठीक है या फिर बहुत लोग वेजिटेशन तक करना चाहते हैं वहाँ तक आराम से कर लो लगे हाथों ये पूरा का पूरा चीज़ तुम लोग कोशिश करो कि अप्रैल एंड तक हो जाए अप्रैल एंड तक या मई बिटवीन मई मिड तक ये हो जाए एक और चीज़ बता दे रही हूँ जो लोग सोच रहे हैं कि दीदी अभी भी हम रिकंसिडर कर रहे हैं कि कोर्स आपका लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उनके लिए मैं बता दूं कि ये ये वाला जो पार्ट मैंने अभी तक बोला है इंडिया का क्लाइमेट वाला नहीं इंडिया का जो फिजियोग्राफी वाला पार्ट है यानी जो रिवर्स के पहले तक आता है वो मैंने पूरा का पूरा ऐप के अंदर शूट कर लिया और मैंने अपडेट भी कर दिया है ठीक है तो वो चाहो तो तुम कंसिडर कर सकते हो सिर्फ ज्योग्राफी के लिए जो कोर्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ जोग्राफी के कोर्स का फी है फाइव जिसमें वीडियो लेक्चर्स तो मिलेगा ही नोट्स भी तुमको मिलेगा ही इंग्लिश नोट्स और साथ के साथ जो साल जब माध्यम मतलब माध्यमिक जब करीब आएगा उस समय टेस्ट पेपर सॉल्व करना प्रीवियस ईयर सॉल्व करना टेस्ट्स को लेना ये सारा चीज़ भी इस 500 के अंदर कंसिडर होगा ये पर मंथ नहीं है ये पूरे जोग्रफी का कोर्स भी बता रही हूँ ठीक है हिस्ट्री के साथ क्या करें देखो हिस्ट्री का बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं चैप्टर वन के साथ शुरू हो जाते हैं भाई चैप्टर वन को गोली मारो चैप्टर वन एक निहायती बोरिंग वाला चैप्टर है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था चैप्टर वन इतना टू मच इन्फॉर्मेशन है मेरे दिमाग में बहुत प्रॉब्लम होता था चैप्टर वन को याद रखने में इसलिए चैप्टर वन के साथ बिल्कुल शुरू मत करो हिस्ट्री का मज़ा किरकिरा मत करो चैप्टर टू के साथ शुरू करो चैप्टर टू जरूरी भी है और बहुत बहुत लेंदी भी है इसलिए समय लगेगा चैप्टर टू में चैप्टर टू करने के बाद तुम चैप्टर थ्री को पकड़ो और चैप्टर थ्री करने के बाद तुम चैप्टर फाइव को पकड़ो ठीक है चैप्टर फाइव भी बहुत बड़ा है ये हो जाएगा तीनों एक साथ गुच्छे में उसके बाद चैप्टर फोर को पकड़ लेना फिर चैप्टर सिक्स और सेवन एक साथ ही हो जाता है सिक्स और सेवन दो चैप्टर में भले ही स्प्लिट है लेकिन मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं एक साथ कर देती हूँ उन दो को और चैप्टर एट ये एंड में कर लेंगे तो हिस्ट्री का सिलेबस काफी बड़ा है जैसा कि तुम देखते हो चैप्टर टू थ्री फाइव ये एक साथ होना चाहिए और चैप्टर फोर सिक्स सेवन एट ये सारा एक साथ होना चाहिए मतलब एक के बाद एक होना चाहिए चैप्टर वन एकदम एंड में माध्यमिक के एक महीना पहले पढ़ेंगे सिलेक्शन के चार पाँच दिन पहले पढ़ना शुरू करेंगे जो तुम लोग का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसके चार पाँच दिन पहले पढ़ना शुरू करो चैप्टर वन एकदम शुरुआत में छूए ही मत चैप्टर वन को क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ब्रेन हैंडल नहीं कर सकता उतना एंड में एकदम एंड में अच्छा इसमें से चैप्टर टू मेरा ऑलरेडी पूरा का पूरा ऐप के अंदर आ चुका है रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्मेट में और चैप्टर थ्री का लास्ट एक लेक्चर बचा है एक घंटे का एक और लेक्चर होना चाहिए उसके बाद वो ख़त्म ठीक है तो चैप्टर टू का अगेन सिर्फ कोई सिर्फ हिस्ट्री के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो उसका भी कोर्स फी है फाइव बिल्कुल सेम कहानी कि पूरा का पूरा जो भी सिलेबस है वो तो कंप्लीट होगा जो प्रीवियस ईयर्स हैं वो भी कंप्लीट होंगे और जो टेस्ट लेना है वो तो लूंगी कोई बोल रहा है देनी जोग्रफी और हिस्ट्री दोनों आपका लेना है तो जोग्रफी और हिस्ट्री जो लेगा उसको पाँच प्लस पाँच हज़ार नहीं देना है उसको सिर्फ और सिर्फ नाइन हंड्रेड देना है ठीक है अब ये मैं बात बता दूं कि जो कोई एक सब्जेक्ट लेगा एक सब्जेक्ट में उसको इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी नहीं मिलेगा तो मगर सिर्फ जोग्रफी लो तो जोग्राफी में तुमको इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी नहीं दे पाऊंगी सिर्फ हिस्ट्री लो तो इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी नहीं ले पाऊंगी लेकिन अगर कोई कॉम्बिनेशन ले रहा है नाइन का टोटल में जैसा कि मैंने बताया डिस्काउंट होने के बाद सौ कम होने के बाद इसमें तुम लोगों को इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा तुम चार सौ पचास रुपए एक बार में जब इनरोल करवाओगे उस समय और फिर एक दो मंथ के बाद चार सौ पचास नेक्स्ट इस तरीके से तुम ये दोनों कोर्स ले पाओगे ठीक है तो ये मैंने तुमको बताया चैप्टर वन एकदम एंड में हिस्ट्री का मेरे नोट्स इंग्लिश में होंगे मैं उर्दू नोट्स प्रिपेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैंने वो भाषा ही कभी पढ़ा नहीं तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँ इसलिए मेरे नोट्स इंग्लिश में होंगे और मेरे नोट्स जरूरी हैं मैं कोशिश करूँगी अपने जो ले चुके ऑलरेडी कोर्सेज को उन लोगों को मैं बोलूँगी कि वो लोग कमेंट में जा के लिखे क्या उनको कोई बेनिफिट हो रहा है मेरे कोर्स से तुम लोग उनका जेनविन ऑनेस्ट रिप्लाई देख सकते हो मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूंगी उन लोग के साथ पर्सनल बातें भी कर लेना मैं बस उन लोगों को बोलूंगी कि एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ तुम लोग अगर जेनविनली हेल्प मिला है तो नीचे कमेंट में जाकर के लिखो ताकि और भी बच्चे मुझे मुझ पर ट्रस्ट कर सके और बिलीव में ये नौ से ज़्यादा तुमको रिटर्न ज़रूर मिलेगा बहुत कुछ तुमको सीखने मिलेगा नौ से ज़्यादा हम उड़ा कर आते हैं मूवीज़ देखने में नौ से ज़्यादा हम उड़ा के आते हैं कपड़े खरीदने में लेकिन मेरे कहने का मतलब है जिस चीज़ से विद्या बढ़ने वाला है उसके लिए इतना ज़्यादा क्यों सोचना ठीक है तो ये बातें हैं जो मैंने बता दिया और ये मैंने कुछ अगेन बहुत सारे होंगे जिनके पास ऑलरेडी ट्यूशन है और नहीं वो लेना चाहते तो उनके लिए भी मैंने पैटर्न बता दिया प्लीज़ फॉलो दिस ये अच्छा जोग्रफ़ी का ये भी सुन लो इसके बाद क्या उठाएंगे इसके बाद चैप्टर टू उठाना है इसके बाद चैप्टर थ्री उठाना है चैप्टर टू बगैर उठाए चैप्टर थ्री नहीं समझ में आएगा और फिर उसके बाद लास्ट का चैप्टर सिक्स उठाना है दैट्स ऑल इस तरीके से तुम्हारा पूरा का पूरा जोग्राफी का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर इंडिया तो चलते चलेगा इंडिया तो पीछे छोड़ना ही नहीं है इंडिया का तो जब तुम इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करोगे फिर भी इंडिया चैप्टर चलते रहना चलते रहना दिमाग में ठीक है सो टेक केयर बाय